अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। तो जी, आज की वीडियो है ईद मेकअप लुक। देखते हैं मैंने मेकअप किस तरह किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एल्फ सीरम ऑयल यूज कर रही हूँ, जिससे स्किन बहुत मॉइस्चराइज हो जाएगी। और इसके बाद जब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, इससे बिल्कुल सॉफ्ट लुक आएगा आप लोगों के मेकअप में। तो देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप मेरा मेकअप। तो यहाँ मैंने एल्फ का फाउंडेशन यूज किया है, फ्लॉलेस फिनिश फाउंडेशन इसका नाम है। ये लाइट अवरी है, फेयर विद गोल्डन अंडरस्टोन्स। मैंने अपनी स्किन टोन के मुताबिक लिया हुआ है, आप लोग अपनी स्किन टोन से मैच करते हुए ले सकते हैं। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं अपनी मर्जी से आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट इसमें यूज कर रही हूँ। तो ये बहुत लाइट कवरेज देता है, मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच है। तो फाउंडेशन लग चुका है, तो यहाँ पर मैं रेवोल्यूशन का कंसीलर यूज कर रही हूँ, जो कि कंसील एंड डिफाइन है, फुल कवरेज देता है। और जिनके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि मेरे भी बहुत डार्क सर्कल्स हैं, मुझे बहुत सूट। और जिनके ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं वो ये वाला कंसीलर जो है लगा सकते हैं। सबका मेकअप करने का स्टाइल अपना अलग अलग होता है, मेरा ये स्टाइल है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वीडियो। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कौन कौन सा कंसीलर और कौन कौन सा प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हैं। इसके बाद मैंने मेबेलिन फिटमी का मैट पोरलेस पाउडर यूज किया है कंसीलर को सेट करने के लिए। ये भी वीडियो में यूज कर चुकी हूँ। तो ये हम लोग उसके बाद जो है कंसीलर को सेट करेगा ये अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं गैबरीनी की आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने यहाँ पे ब्राउन यूज की है, इसके पीछे जो है इसका ब्रश भी दिया हुआ है, इससे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। और जी बहुत ही आसानी से आईब्रोज हो गई हैं डन हमारी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने आई शेडो पैलेट ली है ग्लैमरस फेस की, जिसके 48 आई शेडोज हैं ग्लिटर और 48 मैट हैं। ये मखमली मैट टच आई शेडो किट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसका मैं पहला शेड जो है ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं अपनी आईज की क्रीज ऊपर की बना रही हूँ, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हमने वो क्रीज बनानी है। उसके बाद जो है मैं आई कॉर्नर पर अपनी जो है डार्क थोड़ा सा कलर यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं सेंटर में जो है ग्लिटरी शेड यूज़ करूँगी। ग्लिटर शेड के लिए मैंने आईज के सेंटर में थोड़ा सा कंसीलर लगाया था, उसके बाद मैंने ग्लिटर आई शेड को लगाया तो उससे बिल्कुल फाइन लुक आती है। उससे ये ग्लिटर आपका बार बार नीचे मैसी नहीं होगा, गिरेगा नहीं। तो इस तरह आप करेंगे तो अच्छा। ग्लिटर के बाद जी मैंने पीच कलर को लेके अपनी आई को जो है अच्छी तरह स्मर्ज कर लिया है ब्रश से लेकर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आई लैशेज। तो आई लैशेज के लिए मैंने जेल लाइनर यूज किया है, ये है। इससे जो है बहुत अच्छे तरीके से आई लैशेज हमारी स्टिक हो जाएंगी। ये आई लाइनर स्टाइल में ग्लू है, वाइट ग्लू है, जिससे जो है आई लैशेज में लगाऊंगी तो बहुत जल्दी अच्छे तरीके से स्टिक हो जाएगी, हमें ज्यादा हिलाने की जरूरत भी नहीं है। और इससे हमारा आई मेकअप खराब नहीं होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं जहाँ रखूंगी वो स्टिक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मुझको सेट करना है, मैं क्लिपर से उसको सेट करूंगी, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत इजी है, इस वाली लिक्विड जो लिक्विड से हम लगा रहे हैं इससे बहुत अच्छी तरीके से आईलैशेस लग जाते हैं। यहाँ पे हम जो है मस्कारा यूज़ करेंगे अपनी आईलैशेस को सेट करने के लिए। बिल्कुल हल्का सा टचअप करना है ताकि रियल आईलैशेस और फॉल्स आईलैशेस जो मैंने लगाई हैं वो सेट हो जाएं। हल्का सा बस बिल्कुल टचअप। यहाँ पर मैं जो है आईलाइनर यूज कर रही हूँ, वाटरप्रूफ पेंसिल है ये। इसको सिर्फ हमने जस्ट आईलाइनर लगाना नहीं है, सिर्फ हमने आईलैशेस के जो जेल है ना उसको क्लियर जो है उसको छुपा देना है अच्छे तरीके से, हल्के से लगा के जो है ना उसके ब्रश से उसको स्मर्ज कर देना है बस, ताकि वो मिक्सअप हो जाए आईलैशेस के साथ, तो ग्लू हमें नजर ना आए, वाइट ग्लू। तो बस इस तरह मैंने टचअप दिया, इसमें मैंने आईलाइनर शो नहीं किया है, नहीं लगाया है। तो अगला स्टेप है हमारा जो है कंटूरिंग का। ये मेरे पास क्यूपा की जो है 4-in-1 ब्रॉन्जिंग एंड कंटूरिंग किट है, इसमें से मैं कंटूर भी करूंगी, हाईलाइटर भी यूज करूंगी और साथ ब्लशन भी।
कॉन्टोरिंग हमने बहुत हल्की सी करनी है, बिल्कुल टचअप देना है क्योंकि गर्मियों की ईद है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो बिल्कुल लाइट करिएगा कॉन्टोर। आप लोग देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरह कर रही हूँ, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसमें से देख सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी ज़रूर लाइक करें, उधर भी मैं अपनी वीडियोज़ जो हैं आप लोगों को हेल्प मिलेगी मेरी वीडियोज़ से। और लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये ईद मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा है, और नेक्स्ट आप लोग किस तरह की वीडियो चाहते हैं, कैसा मेकअप लुक चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब जी हमारा ये मेकअप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद जो है मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक का शेड मैंने जो यूज़ किया है वो एपिक नाइट है, और एक साथ में मैंने जो है पीच सिल्क यूज़ किया है। पहले पीच सिल्क मैंने अप्लाई कर लिया था, उसके बाद जो है मैंने एपिक नाइट 568 मैट मेडोरा शेड यूज़ किया है जो कि मेरा फेवरेट है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा टचअप दिया था आई शेडो का, ब्राउन कलर का आई शेड लेकर उससे मैंने टैप कर लिया था अपने लिप्स पे ताकि इससे मेरी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो ये छोटी स्टेप है, आप लोग भी ज़रूर यूज़ करिए। हाँ जी, तो ये था जी सॉफ्ट ग्लैम ईद मेकअप लुक। तो कैसा लगा मुझे मेरा ईद मेकअप लुक आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, मेरी तरफ से एक बार आप सबको एडवांस ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।